नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला जाना है। 40वें मैच में दोनों टीमें दुबई के मैदान पर भिड़ने वाली है। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद की निगाहें जीत पर होंगी। डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ फिर से आमने सामने होंगे। अंक तालिका और प्लेऑफ के लिहाज से यह मैच दोनों टीमों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। जो भी टीम इस मैच में मुकाबला हारेगी वो प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो जाएगी, कहना मुश्किल होगा यहां से प्लेऑफ की टिकट कटाना भी, क्योंकि नेट रन रेट के मामले में दोनों ही टीमें अन्य टीमों से पीछे है। बाकी टीमें भी जोर आजमाइश इस समय कर रही है। पिछली बार जब हैदराबाद और राजस्थान के बीच मुकाबला खेला गया था तो राजस्थान रॉयल्स ने एक शानदार जीत हासिल की थी। रियान पराग और राहुल तेवतिया ने एक हारा हुआ मैच राजस्थान को जीत दिला दिया था और इसी मैच के बाद रियान पराग का बिहू डांस भी देखने को मिला था। आपको बता दें, आईपीएल अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में दोनों ही टीमों के लिए राहें आसान नहीं होने वाली है। दोनों ही टीमों को पता है कि वो ढिलाई बरतने की स्थिति में नहीं है। राजस्थान रॉयल्स ने दो बड़ी हार के बाद वापसी की है और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत की दावेदार भी होगी। जोफ्रा आर्चर रॉयल्स के गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई कर रहे हैं, जबकि श्रेयस गोपाल और राहुल तेवतिया की स्पिन जोड़ी ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बीच के ओवरों में शानदार प्रदर्शन किया था। दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि सनराइजर्स की टीम नाइट राइडर्स के खिलाफ सुपर ओवर में मिली हार से उबर पाई है या नहीं। चोटों के कारण तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और ऑलराउंडर मिचेल मार्श बाहर हो चुके हैं। ऐसे में सनराइजर्स की टीम असमंजस की स्थिति में है कि अपनी बल्लेबाजी को मजबूत करे या फिर गेंदबाजी को, और कप्तान वार्नर भी इस तथ्य को स्वीकार कर चुके हैं। टीम अपने बल्लेबाजी पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है, विशेषकर टॉप चार बल्लेबाज जिसमें जॉनी बेयरस्टो, डेविड वार्नर, मनीष पांडे और केन विलियमसन शामिल हैं। कप्तान डेविड वार्नर को उम्मीद होगी कि बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों बेहतर प्रदर्शन करेंगे जिससे कि टीम टूर्नामेंट में बनी रहे। इसके अलावा हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच आईपीएल इतिहास में 12 मुकाबले खेले गए हैं और हैदराबाद ने इस दौरान 6 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने इतने ही मैचों में बाजी मारी है। डेविड वार्नर ने 11 मुकाबले अब तक राजस्थान के खिलाफ खेले हैं और 35 की औसत से 385 रन बनाए हैं। आंकड़े कुछ खास नहीं है, जबकि जॉनी बेयरस्टो ने 2 पारियों में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मात्र 61 रन ही बना सके हैं। बहरहाल, देखने वाली बात ये होगी कि बेयरस्टो और वार्नर की ये हिट जोड़ी राजस्थान के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करती है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।